गुड मॉर्निंग दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि ड्यूटी से अभी जस्ट वापस आए थे और आज रूम की सफाई करनी है। मुझे गंदी हो गई है, मतलब घर गए थे कम से कम 4-5 दिन के लिए क्योंकि दोस्त की शादी थी और उसके बाद से आए तो कुछ सफाई वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो थोड़ा सफाई कर लेते हैं। देख रहे हैं दोस्तों कितना सारा, ये बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी मैंने। ये तो मेरे लैपटॉप का है, मेरे मैकबुक फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगाया था मैंने उसका है। ये तो देखने में लगता है थोड़ा सा सामान है, जब आप इकट्ठा करो साफ सफाई करो तो समझ में आता है अरे कितना हो गया। एक टाइम था कि जब आए थे तो कुछ नहीं था, बस एक कुछ बर्तन घर से लेके आए थे और कुछ कपड़े लेके आए थे बस। धीरे धीरे करके खरीदते गए, कूलर खरीदे हैं, धीरे धीरे बाल्टी सब और भी बहुत सारी बर्तन हो गए और खाने पीने की चीज़ें हो गई। धीरे धीरे करते करते इकट्ठा हो गया इतना सामान, पता ही नहीं चलता है कब कितना सामान इकट्ठा हो जाता है। जैसे जितनी ज़रूरत पड़ती है वैसे इकट्ठा करते जाते हैं। देख रहे हैं दोस्तों बाहर में सांड है, उसको लगी है प्यास, इंतजार कर रहे हैं पानी पीने का। डाल देते हैं बाल्टी में पानी, पानी पीने। आ जा लिया दोस्तों, रख देते बाल्टी को तो क्या नाम साबुन से पोछ दे, सॉरी धो देंगे। ये बाइक किए थे, एलन कूपर का है, राइडिंग शूज तो नहीं है, मतलब बूट है और अच्छी लगी थी मुझे तो मैंने परचेज कर ली थी। बहुत दिन हो गए और बाइक चलाते थे किसी को पहने तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है और आने वाले टाइम में एक राइडिंग शूज भी खरीदेंगे और राइडिंग जैकेट भी खरीदेंगे क्योंकि मुझे मतलब बाइक ड्राइव करते हैं घर जाते हैं 200 किलोमीटर घर से, यहाँ से है मूल सरा, जब जाते हैं तो ग्लव्स हेलमेट खरीद लिया है कम, ये मतलब प्रॉपर ये राइडिंग शूज तो नहीं है लेकिन फिर भी कंफर्ट रहता है। तो कोशिश करेंगे कि अभी आने वाले टाइम में एक राइडिंग शूज खरीदेंगे और राइडिंग जैकेट राइडिंग पैंट कि कम से कम बाइक जब ड्राइव करें तो थोड़ी लंबी दूरी है तो दूरी लंबी होने के कारण थोड़ा सेफ्टी भी रहेगा। आसपास जाना है 50-60 किलोमीटर तो चलो नॉर्मली जा भी सकते हैं बाइक से, लेकिन उतना दूर जाना है 200 किलोमीटर तो खुद राइडिंग जैकेट होनी चाहिए। परचेज करेंगे अभी नहीं, राइडिंग जैकेट शूज जो थोड़े अच्छी क्वालिटी के आते हैं तो थोड़े 3,000-4,000 के शूज आते हैं, जो अच्छे लेवल एंट्री लेवल के शूज थोड़े अच्छे से जो स्टार्ट होते हैं जो प्रोटेक्शन रहता है पैरों का, तो करेंगे समय है बाइक करेंगे धीरे धीरे चीज़ें क्योंकि मुझे राइडिंग करना बहुत ही मतलब पसंद था बहुत पहले से। अपने वीडियो में मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है मुझे राइडिंग करना कितना मतलब, अब सोचा था कि धीरे धीरे ट्राई करेंगे कोशिश करेंगे जॉब करना बाइक खरीद लिए तो उसके बाद राइडिंग शूज राइडिंग जैकेट धीरे धीरे परचेज करेंगे। खैर सफाई हो गई है लगभग 50% कम्प्लीट हो गया, 50% बचा है। ये मेरा जो ये सेक्शन है इधर से पूरा कम्प्लीट हो गया, बस ये इधर जो मेरा छोटा सा किचन एरिया है उसको क्लीन करना है थोड़ा सा, इधर के सामान थोड़े से इधर रखेंगे उसके बाद इधर भी साफ कर देंगे। कूलर को पहले इधर कर लेते हैं, कूलर भी मैंने खरीदे थे कल, इसका ये जो व्हील है कल लेकर आया, कल लगाया मैंने, इसको आसानी से इधर से उधर कर सकते हैं और अब हो गया इधर जगह।
फाइनली दोस्तों लगभग 90% रूम की सफाई कंप्लीट हो गया है और देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से पूरा रूम एक एक कोना साफ कर दिए। जाली झाला वगैरह भी लग रहा है, मकड़ी का झाला वो भी सब साफ कर दिए हैं। इधर 95% कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद ये बाहर सारा कचड़ा रह गया है, इसको साफ़ करना है। जो ज़रूरत की चीज़ें वो अंदर जाएंगी, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है बाहर जाएंगी। और अपनी बाइक यहाँ रही, और उसके बाद बाइक को भी सोच रहे हैं वॉश कर दें, बहुत गंदी हो गई, घर से आए हैं तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। तो दोस्तों ये है लाइफ ऑफ ए रेलवे एम्प्लॉय और लाइफ ऑफ ए बैचलर, यही है। अब आपका यही छोटी सी दुनिया है जहाँ भी आप जॉब करते हैं या जॉब करेंगे। तो चलिए बाकी चीज़ें जो बची हैं वो भी फटाक से कंप्लीट करते हैं। ओए कहाँ लेके जा रहा है? तो दोस्तों फाइनली रूम सारे क्लीन हो गए हैं, सारे बाहर के भी जो थोड़े बाइक को यहाँ पे साफ सफाई कर करके और बाइक को यहाँ पे खड़ी कर दी, बाइक यहीं पे खड़ी कर देते हैं शाम में ऊपर में, और थोड़े जो शूज वगैरह थे वहाँ रख दिए हैं, और बाइक पूरी एकदम रूम एकदम पूरा अपना नीट एंड क्लीन हो गया है। और अब हम भी नहा धोकर रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं टिफिन। एक्चुअली में खाना मतलब एक टाइम बनाते हैं एक टाइम टिफिन लेते हैं, क्योंकि ड्यूटी के हिसाब से रहता है। तो चलते हैं अभी, टिफिन वाली आंटी का फोन आया था, जाते हैं खाना लेके आते हैं और खाते हैं, क्योंकि जोरों से भूख भी लग रही है। तो चलते हैं, ये रही अपनी टिफिन, ये रही बैग भी थी। थोड़ा लेट हो गया था, वॉश नहीं कर पाया क्योंकि ज़्यादा 11 बज गया था, साफ सफाई करते करते भूख भी लग रही थी। तो मैं चलो ठीक है शाम में या तो फिर नेक्स्ट कल कर देंगे, कल वैसे भी मेरा रेस्ट है। और ये है अपने गार्ड साहब का रूम। आप तो वायरल होंगे आप। धूप लग रहा था दोस्तों तो गमछी ले लिए हैं। और ये है अपने शुभंकर भाई, ये भी साथ ही में ड्यूटी करते हैं, पुराने वीडियो में तो वो देखा ही होगा आपने, देख लीजिए। यही है बैचलर लाइफ, खुद से बनाइए खुद से खाइए। ये भी टिफिन लेते हैं एक टाइम, ये तो दोनों टाइम लेते हैं, खाना ही बनाना छोड़ दिए अब तो। और इन्हीं का देख के हम भी खाना लेना शुरू किया, अभी एक टाइम ले रहे हैं, अगर ठीक लगेगा तो दोनों टाइम हम भी लेना चालू कर देंगे। लेकिन फिलहाल एक टाइम लेंगे, एक टाइम खाना बनाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वजह से टिफ़िन लेना शुरू किया, क्योंकि टाइम नहीं बचता। 3-4 घंटे खाना बनाने में सुबह शाम दोनों में 5-6 घंटा निकल जाता है, जो बचता है टाइम सोने में निकल जाता है। तो अब लाइफ अब इतना ही भर लाइफ थोड़ी है कि नौकरी करे और उसके बाद खाए और सो जाए, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। और प्रकृति का नियम है आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ेंगे तो फिर आप रुकेंगे नहीं और पीछे चले जाएंगे। तो बस यही सब प्लान है, इनका भी सेम वही कंडीशन है, हमारा भी वही कंडीशन है। और ये रही अपनी क्वार्टर, लास्ट टाइम जो क्वार्टर रेलवे वाले छोड़े थे उसके बाद ही प्राइवेट में आ गए। और क्वार्टर न लेने का कुछ मेन रीज़न था कि चोरी बहुत ज़्यादा होता प्लस अकेले हैं, तो रेलवे क्वार्टर में यहाँ पे अगर रहना है तो फैमिली जैसे मम्मी पापा या फिर कोई भी एक फैमिली पे रुके। अब रात में हम 12 बजे ड्यूटी करने जा रहे हैं और कोई और बहुत सारी चोरियां होती हैं, तो इस वजह से नहीं लिए क्वार्टर, नहीं तो क्वार्टर तो मिल रहा था हमको, इसलिए छोड़ दिए। फिर चलिए चलते हैं टिफिन लेने के लिए, आंटी का कॉल आ गया जो टिफिन देती हैं, हालांकि खाना अच्छा देती हैं, घर जैसा खाना रहता है। चलते हैं दिखाएंगे आप। तो यही है आंटी जी खाना देती हैं। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है डन और नाइट ड्यूटी कर गया है, तो जाहिर सी बात है नींद तो जोरों से लगेगी ही, खाना खाने के बाद ऑटोमेटिक नींद लगेगी। तो चलते हैं सोते हैं, कम 3-4 घंटे नींद पूरा कर लेंगे, क्योंकि दिन में तो वैसे भी आप 3-4 घंटे ज़्यादा सो ही नहीं पाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि उतनी लंबी गहरी नींद लगती नहीं है। हाँ कम 3-4 घंटे सो लेंगे तो और एक जो लैक ऑफ स्लीप है वो कमी हो जाएगी जो ड्यूटी करने के बाद आती है। तो ठीक है दोस्तों।